वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है और मैं विगत 10 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भूगोल विषय में टीचिंग दे रहा हूं, उनको भूगोल में गाइडेंस दे रहा हूं। दोस्तों, अन अकेडमी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को हासिल कर रहे हैं। अन अकेडमी से वर्तमान में भारत के टॉप के एजुकेटर जुड़े हुए हैं, जिनके टीचिंग जो एक्सपीरियंस है अत्यंत ही ब्राइट है, और उनके इन एजुकेटर्स के अनुभव का लाभ उठाते हुए छात्र अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो यहाँ पे अन अकेडमी पे आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आप चैट के माध्यम से अपने एजुकेटर से जुड़ते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का छोटी से छोटी उसके जो पॉइंट्स है उसका नॉलेज आप गेन करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप अपने एजुकेटर से डिस्कस कर उस डाउट को आप क्लियर करते हैं। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रकृति है वह आपसे यह डिमांड करती है कि आप अपने तैयारी के दौरान निरंतर इस बात की जांच करते रहें कि आपकी तैयारी की जो दिशा है वह सही है या नहीं, और इसके लिए आपको टेस्ट एवं क्विज ज्वाइन करने की आवश्यकता होती है। अन अकेडमी आपको लाइव टेस्ट एवं क्विज की सुविधा उपलब्ध कराता है, जहां पे आप अपने तैयारी का मूल्यांकन स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी की जो दिशा है वह सही है या नहीं है, और किन पॉइंट्स पे किन टॉपिक पे कमियां हैं, और समय रहते हुए उन कमियों को आप दूर करते हैं और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आप सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ताकि आप आसानी से यह समझ सके कि किन चीजों को आपको अध्ययन करना है, किन को छोड़ना है, किस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, किस पे आपको कम फोकस करना है, और आप सुगमता पूर्वक एक स्मार्ट प्लानिंग के तहत आप काम करते हुए और अपने टारगेट को अचीव करें, एग्जाम को क्रैक करें। इसके अलावा यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको एक अन्य महत्वपूर्ण फायदा यह होगा कि यदि किसी एक कोर्स के लिए यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसी एक सब्सक्रिप्शन में आप विभिन्न कोर्सेज के लाइव एवं रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हैं। तो एक यह अत्यंत महत्वपूर्ण फायदा है अन अकेडमी से जुड़ने पर आपको मिलेगा। आपके स्क्रीन पे भी अन अकेडमी के एजुकेटर हैं, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस अत्यंत ब्राइट है, और इनके मार्गदर्शन में छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। यदि बीपीएससी की बात की जाए तो अन अकेडमी पे बीपीएससी से संबंधित विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे आप ज्योग्राफी में यहाँ पे 16 कोर्सेज, हिस्ट्री में 16 कोर्सेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 16 कोर्सेज, ऐसे ही आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, करंट अफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी, जो विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, आपके एग्जाम के सिलेबस में हैं, तो उन सारे सब्जेक्टों से संबंधित वेरियस कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बीपीएससी 2020 बैच का जो कोर्स जो लॉन्च किया गया है अन अकेडमी के द्वारा, उसकी यह टीम है और इस टीम के माध्यम से पूरी सिलेबस को कवर किया जाएगा, जिसमें राकेश ठाकुर यानी कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आदित्य मिश्रा सर हिस्ट्री डील करेंगे, रितु मैम करंट अफेयर्स, सुजीत सर पॉलिटी, सिप्रा मैम रीजनिंग एंड साइंस, और प्रकाश रंजन सर इकोनॉमिक्स को डील करेंगे। तो ये हमारी टीम है बीपीएससी के लिए। इसके अलावा अन अकेडमी आपको फीडबैक फॉर्म की सुविधा आपको उपलब्ध कराया है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप भरें और आपकी अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनको आप इस फॉर्म के माध्यम से अन अकेडमी को सेंड कर सकते हैं, और जिस एजुकेटर्स से डिस्कस कर आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहेंगे, अन अकेडमी आपको यह सुविधा प्रोवाइड कराएगा कि आप उस एजुकेटर से आप मिलें, उससे डिस्कस करें सारी चीज़ों को। यदि बीपीएससी सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो यदि आप 12 मंथ का यदि आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए आपको 6,300 की मामूली फीस आपको अदा करनी होगी, और यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड राकेश 1 का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको इस फीस में
10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ही यदि आप 24 मंथ का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए आपको 7,560 रुपये की फीस आपको अदा करनी होगी। और यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड राकेश वन का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको इस फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चाहे आप 12 मंथ का कोर्स सब्सक्राइब करें या आप 24 मंथ का कोर्स सब्सक्राइब करें, दोनों में से प्रत्येक में यदि आप मेरा रेफरल कोड राकेश वन का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको 10% का 10% का आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हम लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह आज का टॉपिक है मानचित्र अभ्यास वन। आज से हम लोग एटलस पे काम करना शुरू करेंगे, एटलस पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आपको मैंने जैसा कि मैंने बताया पिछले क्लासेस में कि एटलस पे जो आपका काम है, जो उस पर जो कमांड है वह एक दिन में आपका नहीं हो सकता है। एटलस पे आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होगी और तभी जाके आपको एटलस पे कमांड होगा। और चाहे आपका बीपीएससी या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में जो ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एटलस से संबंधित क्वेश्चनों की जो भूमिका होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए आपको एटलस पे आपको काम करना होगा, उस पे आपको एक्सरसाइज करना होगा और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक दिन में एटलस पे आपका कमांड नहीं हो सकता है। तो हम लोग भी निरंतर एटलस पे काम करेंगे और एटलस पे आज हम लोग काम की शुरुआत करेंगे। और आज इसीलिए जो क्लास का आपका टॉपिक है वह टॉपिक है मानचित्र अभ्यास एक। ठीक है, तो कौन कौन जुड़ गए हैं जल्दी बताएं और हम लोग क्लास की शुरुआत करें। आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है बता दें प्लीज, ताकि हम लोग क्लास की विधिवत शुरुआत कर सकें। नमस्कार आनंद जी, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है प्लीज बताएं ताकि हम लोग क्लास की शुरुआत करें। और दोस्तों क्लास के दौरान यदि किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप टेक्स्ट करें। और मैं आज ऐसा करूंगा कि पूरी क्लास को लेने के बाद उसके बाद मैं आपकी मैसेज को क्लिक करके सिलसिलेवार में पढ़ूंगा और जहां जहां जो कमियां होंगी, जहां जहां जिन मुद्दों पे आपकी समझ नहीं हुई होगी, जहां पे दिक्कत होगा वहां पे हम लोग चीज़ों को हम लोग डील करते जाएंगे ताकि जो रिदम है, रिदम हम लोग का बरकरार रहे, रिदम हम लोग का नहीं टूटे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तो फिलहाल आनंद जी यूट्यूब पे ही अभी चल रही है क्लास, ऐप पे भी क्लास चलेगी। तो चलिए हम लोग क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग मानचित्र अभ्यास वन हम लोग करेंगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को हम लोग समझेंगे। आप लोग से मैंने कहा था कि आप लोग एटलस आप लोग ले लेना, यदि आपके पास एटलस है बहुत बढ़िया बात है, और यदि आपके पास एटलस नहीं है तो एटलस आप परचेज कर ले कर लो, या तो आप किसी बुक शॉप से जाके आप परचेज कर लें या ऑनलाइन मंगा लें। तो और एटलस पे मैं आपको यहाँ से मैं साइट बताऊंगा, मैं चीज़ें बताऊंगा, संग संग आपको एटलस पे आपको काम करते जाना है, तभी जाके आपका एटलस पे जो आपकी जो पकड़ होगी वह मजबूत होगी। आप यह चाहेंगे कि बाद में हम जो वीडियो है वीडियो को मैं फिर से देखूंगा और देख के फिर एटलस पे काम करते जाऊंगा, तो फिर वहाँ क्या होगा, फिर वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर मैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहूँगा आपको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए कि आप सही दिशा में एटलस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टेप स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे मेरे हमारे जो मित्र होंगे जिनको इन सारी चीज़ों की समझ होगी तो प्लीज़ वो धैर्य बनाए रखेंगे क्योंकि हम लोगों को हमारा जो जो मेन जो टारगेट है कि जो सबसे जो कमज़ोर बच्चा, जो बच्चा अपने आप को सबसे कमज़ोर महसूस कर रहा है उसके लिए भी जो क्लास हो, उसके लिए भी जो चीज़ें हों आसान हो जाए। तो इसलिए जो सबसे जो समाज का जो अविवंचित वर्ग है, जो ऐसा बच्चा जो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है उसकी भी
कोई कठिनाई ना हो, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इसलिए जिन लोगों को चीजें पता होगी उनके उनके लिए अच्छी इस यह बात है कि उनकी रिवाइज हो जाएगी, और जिनको पता नहीं होगा उनके लिए समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले स्टेप वन, मानचित्र का स्टेप वन हम लोग शुरू करते हैं। जिन लोगों के पास एटलस है प्लीज आप एटलस खोल लें, और आप सबसे पहले खोलें जो विश्व का जो पूरा वर्ल्ड का जो एटलस है पॉलिटिकल एटलस, उसको खोल लें। विश्व का राजनीतिक जो मानचित्र है उसको आप खोलें अपने एटलस में, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप वन एकदम जीरो लेवल से हम लोग एटलस पे काम करना शुरू कर रहे हैं, और किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएगा, और जिन लोगों को अधिकांश लोगों को चीजें समझ में होंगी तो प्लीज आप धैर्य बनाए रखेंगे, और आप अपनी चीजों का रिवाइज, आप ये मान के चलो कि रिवाइज हो रहा है, तो इसलिए प्लीज उन बच्चों के लिए आप सहयोग करें जिनको एटलस की थोड़ी सी भी समझ नहीं है, और इसीलिए मैंने जीरो लेवल से मैंने चीजों को शुरुआत की है। तो आइए स्टेप वन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्व के महाद्वीप। तो जब हम लोगों ने जब विश्व के महाद्वीप एवं महासागर का हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि विश्व के जो स्थल जो भाग हैं उनको हम लोग सात महाद्वीपों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो आपका एशिया, आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। यह सात महाद्वीप हैं जो पृथ्वी पे जो स्थल जो स्थल के जो भाग हैं स्थलीय भूभाग, उन सारे स्थलीय भूभागों को इन्हीं सात महाद्वीपों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आइए देखते हैं कि आपके विश्व के मानचित्र पे किस महाद्वीप का लोकेशन कहाँ है। तो देखिए यह जो आपका जो क्षेत्र है, यह जो आपका क्षेत्र है, यह क्षेत्र, यह किसका क्षेत्र है? तो यह एशिया महाद्वीप है, यह आपका एशिया महाद्वीप है, और इसको हम लोग आपको पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया इत्यादि में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बांटते हैं। तो यह जो महाद्वीप है, यह महाद्वीप, ये जो महाद्वीप है, यह महाद्वीप एशिया महाद्वीप के अंदर अंतर्गत इस भूखंड को हम लोग शामिल करते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग इस भूखंड को हम लोग शामिल करते हैं, और यह जो हमारा जो भूखंड है, यह भूखंड वह यूरोप का महाद्वीप है, यह यूरोप महाद्वीप है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग महाद्वीप एवं महासागर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा था कि जो सैद्धांतिक रूप से यूरोप जो है वह महाद्वीपों के लिए जिन शर्तों को रखा गया है उन शर्तों का पालन नहीं करता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम लोग यूरोप को महाद्वीप कहते हैं। तो यह जो भाग है वह आपका एशिया का भाग है, यह जो भाग है आपका यूरोप का भाग है, यह आपका जो है वह आपका अफ्रीका है, यह जो स्थल जो खंड है वह आपका अफ्रीका है, यह आपका अफ्रीका है, यह आपका अफ्रीका है, यह आपका जो है वह आपका उत्तरी अमेरिका है, यह आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। मैंने ब्लैंक मैप इसलिए लिया है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए, और एकदम जीरो लेवल से हम लोग चीजों की शुरुआत किए हैं, स्टेप दर स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत ना हो, और यदि कोई पॉइंट समझने में आपको दिक्कत होगा तो आप तुरंत बोलेंगे, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से हम लोगों ने शुरू किया है चीजों को। तो यह आपका उत्तरी अमेरिका है, यह जो आपका है यह आपका दक्षिणी अमेरिका है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका है, यह जो है यह आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक महाद्वीप, ये यहां पे मैं बिंदु डालना चाह रहा था, अंटार्कटिक,
ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, और यह जो यह ऑस्ट्रेलिया और इसके अगल बगल के जो द्वीप हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओशनिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो यह आपका है ऑस्ट्रेलिया, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। एकदम हम लोगों ने जीरो लेवल से चीजों की शुरुआत की है, इसलिए जिन लोगों को पता होगा प्लीज वो दूसरे लोगों के लिए सहयोग करेंगे, वो पेशेंस बनाए रखेंगे, उनका रिवीजन होते जा रहा है, ठीक है। और जिनको एकदम पता नहीं है, जिनको एटलस के नाम से ही जिनके शरीर में झुरझुरी पैदा होती है, उनके लिए मैंने जीरो लेवल से मैंने चीजों की शुरुआत की है। तो यह विश्व के क्या है, विश्व के 7 महाद्वीप हैं, जो विश्व के जो स्थलीय भाग हैं उनको हम लोग 7 महाद्वीपों में हम लोग बांटते हैं। यह आपका ग्रीनलैंड का आपका भाग है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से तो यह उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का भाग है, लेकिन चूंकि इस पे डेनमार्क का अधिकार है इसलिए राजनीतिक रूप से यह यूरोप का भाग है, ठीक है। तो जो जो विश्व के जो स्थल जो भाग हैं उनको हम लोग 7 महाद्वीपों के अंतर्गत समाहित करते हैं। आपका यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो लोकेशन आप लोगों ने लोकेट कर लिया अपने मैप में, आप लोग संग संग आप लोग लोकेट करते जाना, और आप लोग ब्लैंक मैप भी मार्केट में मिलता है, ब्लैंक मैप भी आप लोग खरीद लो। बीपीएससी के लिए तो बहुत अधिक लोकेशन के बारे में जानने की हमको आवश्यकता नहीं होगी, जो महत्वपूर्ण जो लोकेशन है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप यूपीएससी की यदि आप तैयारी करते हो, या यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में यदि आपका जियोग्राफी है, तो वहां ऑप्शनल में मेंस के एग्जाम में आपसे मैपिंग से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तो आपको वृहद स्तर पे आपको मैपिंग के बारे में जानना जरूरी होता है। लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे यदि आपका ऑप्शनल यदि ज्योग्राफी भी है तो वहां मैप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मेंस के एग्जाम में। तो जीएस के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैप पे कम काम करना होगा, लेकिन जितना काम करना होगा उतना तो करना ही होगा। तो यह आपका हो गया विश्व के 7 महाद्वीप। आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया है, देन आपका उत्तरी अमेरिका, पहला स्थान जो है आपका एशिया का, सॉरी पहला स्थान आपका एशिया का, उसका बाद देन दूसरा जो स्थान है वो आपका अफ्रीका का। क्षेत्रफल का दृष्टिकोण से पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा आपका जो है उत्तरी अमेरिका, जो चौथा है वो आपका है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा जो है वो आपका अंटार्कटिका, छठा आपका यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। तो यह हुआ आपका विश्व का महाद्वीप, और कौन से महाद्वीप आपके मैप पे आपके मानचित्र पे कहाँ हैं उनके बारे में हमने जाना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यह क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में विश्व के महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपके ग्लोब पे आपके मानचित्र पे विश्व के जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह डिसेंडिंग ऑर्डर में यह सजाए गए हैं। पहला जो है सबसे जो बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो महाद्वीप है आपका एशिया है, देन अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यह हो गया आपका विश्व का महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो हमारा जो स्टेप 2 है उसमें हम लोग देख रहे हैं विश्व के महासागर, कि ग्लोब पे जो विश्व के जो महासागर हैं वह कितने हैं। तो देखिए जो विश्व के जो महासागर हैं, तो जो सबसे बड़ा जो महासागर है वह आपका कौन सा है, वह आपका पैसिफिक ओशियन है, आपका प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर ये भी पैसिफिक ओशियन का ही भाग है। जब आप इस मैप को जब क्या करेंगे, ग्लोब की शक्ल देंगे, तो आपका पैसिफिक महा जो सागर है वह आपका एक जगह दिखाई देगा। वैसे आपको लग रहा है कि यह 2 जगह है, लेकिन यह क्या है, यह 0 डिग्री से क्या करेंगे, आप मैप को आप फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो आपका
पैसिफिक महा ओशियन, प्रशांत महासागर, फिर आपका अटलांटिक महासागर जिसको दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर और साउथ अटलांटिक ओशियन, फिर आपका इंडियन ओशियन, फिर आपका साउदर्न ओशियन और फिर आपका आर्कटिक ओशियन। हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए आर्कटिक ओशियन कहाँ है, ऊपर है, एक तरह से छुपा हुआ है। यही कारण है कि आर्कटिक महासागर को हम लोग छुपा हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ग्लोब पे जो महासागर जो पाए जाते हैं वह पांच हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका है प्रशांत महासागर, दूसरा आपका है अटलांटिक महासागर, और इसी अटलांटिक महासागर को हमने क्या किया है, दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तीसरा जो महासागर है वो कौन सा है आपका? वह आपका हिंद महासागर है। और जो चौथा जो महासागर है वो आपका है दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन। और जो पांचवा जो महासागर है वह आपका है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो जो ग्लोब पे जो महासागर पाए जाते हैं वह पांच हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो जो विश्व के जो भाग हैं उनको, जो ग्लोब के जो भाग हैं उनको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, स्थल जो खंड है और जो जल खंड है। स्थल खंड को हम लोग सात महाद्वीपों के अंतर्गत रखते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और जो महासागर हैं उनको पांच वर्गों में हम लोग बांटते हैं, पांच महासागरों के रूप में उसको जानते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो यह हमारा जो मैपिंग का जो प्रैक्टिस का यह हमारा स्टेप दो है। पहला स्टेप में हम लोगों ने देखा विश्व के महाद्वीप, कि ग्लोब पे विश्व के महाद्वीपों का स्थान कहाँ है। तो देखिए यहाँ भी इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि यह आपका एशिया, यह आपका यूरोप, यह आपका नॉर्थ अमेरिका, यह आपका साउथ अमेरिका, यह आपका यहाँ पे साउदर्न ओशियन के नीचे क्या है, साउदर्न ओशियन जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके चारों ओर फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंटार्कटिक, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको यूरोप और यह आपका ऑस्ट्रेलिया एवं ओशनिया। देख रहे हैं ये जिस एक कलर का जितना भी स्थल खंड है उसको हम लोग एक महाद्वीप के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ये सारा का सारा ये जो कलर है यह एशिया महाद्वीप के भाग को डिनोट कर रहा है, यह जो कलर है यह आप यूरोप के भाग को डिनोट कर रहा है, यह जो कलर है यह आपके उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पूरे स्थलीय भाग को डिनोट कर रहा है। देखें, देख रहे हैं आप यहाँ पे, यह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का कलर किसके कलर का है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बाकी स्थल खंडों के कलर का है, यानी कि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का भाग है, लेकिन चूंकि इस पर डेनमार्क जो यूरोपियन कंट्री है उसका अधिकार है, इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप का भाग माना जाता है। वैसे ही देखिए यह अफ्रीका, ये आपका मेडागास्कर का भाग है। तो यह जितना इस कलर का जो हरे रंग का कलर का जो ये भाग है ये सारा का सारा अफ्रीका कंटिनेंट के अंतर्गत आता है। और यह देखिए यह जिस कलर का ये पूरा का पूरा आपका जो है वह दक्षिण अमेरिकी कंटिनेंट का पार्ट है। आप देखो ऑस्ट्रेलिया और बाकी के जो द्वीपीय भाग हैं जो और अन्य जो स्थलीय जो खंड हैं उनको हम लोग ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं। तो यह आपका हुआ विश्व के जो ग्लोब है, ग्लोब पे महाद्वीप एवं महासागरों की अवस्थिति, उनका लोकेशन। ठीक है, यह हमारा हुआ स्टेप टू। गुड इवनिंग सबको, चीजें आ रही है समझ में? चीजें आ रही है ना? एकदम जीरो लेवल से बाबू शुरू किए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ हो, अंत्योदय योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम वर्ग तक पहुंचे। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोगों ने विश्व का महाद्वीप देखा, दूसरा स्टेप में हम लोगों ने विश्व का महासागर देखा, अब आइए हम लोग तीसरा स्टेप चलते हैं। उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, पहले आप ये देख लो जो विश्व के जो महासागर हैं वह क्या हैं। यह भी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये विश्व के पांच महासागर हैं। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका यूपीएससी में, तो वहां पे मेंस पेपर में आपको मैपिंग से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है, अन्य जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है तो उसमें मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों से मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, आगे पता नहीं क्या। तो जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जो लोग मैप पे बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, लोकेशन को बेहतर तरीके से लोकेट करना चाहते हैं, उसका अभ्यास करना चाहते हैं, वह ग्रीडिंग सिस्टम के माध्यम से क्या करें, वह मैप को समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए, ये पूरा विश्व का जो जो मैप है, ये पूरा मैप है आपका, और इसको ग्रीडिंग सिस्टम में बांटा गया है। देखिए ये क्या है, ये 0 डिग्री क्या है, यह प्रधान देशांतर रेखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह 0 डिग्री यह प्रधान देशांतर रेखा है। फिर यह देखो यह क्या है, यह 0 डिग्री यह आपका विषुवत रेखा है। ये जो लाइन है वो स्ट्रेट होगा, मैंने ऐसे ही खींच दिया। तो यह आपका 0 डिग्री इक्वेटर है जो विषुवत रेखा है, और यह 0 डिग्री क्या है, प्रधान देशांतर रेखा है। और इस ग्रिड में 30 30 डिग्री के अंतराल पे ग्रिड को बांटा गया है। देखिए जैसे 0 0 से यह 30, 0 0 से यह 30। आपके मोबाइल स्क्रीन पे यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह 0 है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह आपका 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, फिर यह आपका 60 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये उत्तरी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर ऐसे ही यह 30 डिग्री जो है यह दक्षिणी अक्षांश रेखा, और फिर नीचे ऐसे। वैसे ही देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर। तो ग्रिड के माध्यम से चीजों को इसमें बांटा गया है। आप भी अपनी सहूलियत के अनुसार, यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आपका यूपीएससी में है, और तो वहां पे मुख्य परीक्षा में आपसे मैप से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप यदि मैप पे अगर बेहतर अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो आप ग्रिडिंग सिस्टम के माध्यम से आप मैप पे कमांड करें। आप जैसे इस मैप में 30 डिग्री को रखा गया है, ग्रिड के रूप में बांटा गया है, आप अपनी सहूलियत के अनुसार 5 10 जितना भी हो डिग्री के रूप में क्या करें, आप बांटें आपका अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा। और उसके बाद उन जैसे सपोज करो कि मान लो कि ये बांटा गया आपको, मैं दिखा रहा हूं कहाँ का उदाहरण मैं दूं, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। सपोज करो कि मैं भारत का ही उदाहरण देता हूं, तो देखो ये किसके किसके बीच है, या 0 से, देखो ये 0 से 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच, इसका जो 30 से थोड़ा सा ऊपर, और 60 से 90 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच इस मैप में क्या किया गया है, भारत को शामिल किया गया है। तो आप जब इस तरीके से जब ग्रीडिंग के माध्यम से जब आप लोकेशन को लोकेट करना शुरू करेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पे यह अंकित हो जाएगा, और जब आप जाएंगे मेंस का एग्जाम देने के लिए, जब आपसे एक ब्लैंक मैप आपको दिया जाएगा आयोग के द्वारा, और उससे आपको पूछा जाएगा कि आप चीजों को लोकेट करें कि कौन सा लोकेशन कहाँ है, या ऑलरेडी लोकेशन होगा और आपसे उसको पहचानने के लिए कहा जाएगा और उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा। मैं अभी यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें जो भूगोल विषय के जो ऑप्शनल के जो छात्र होते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। जो छात्र जो बीपीएससी का दे रहे हैं वो सोचेंगे अरे भाई बीपीएससी में कहाँ से पूछा जाने लगा, तो बीपीएससी के ऑप्शनल में ये मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और बीपीएससी के अलावा किसी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते होंगे तो ये मुझे पता नहीं है। सबको वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो आप ग्रिड के माध्यम से आप चीजों को करें, अगर यदि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है और यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए सामान्य अध्ययन के लिए आपको ग्रेडिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो लिमिटेड लोकेशन को हमको ध्यान में रखना है, तो इसलिए ग्रेडिंग अगर हमारे पास नहीं भी होगा, और चूंकि हमको एग्जाम में लोकेट करना नहीं है तो हम लोग ऐसे ही मैप पे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपका एक कमांड बन जाएगा और आप आराम से चीजों को आप डील कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैप दिखाने का उद्देश्य यह था कि जिन बच्चों का यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो ग्रीडिंग के रूप से मैपिंग पे काम करें, उनकी जो ग्रिप है मैप पे वो अच्छी बनेगी। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग स्टेप थर्ड में चलते हैं। हम लोगों ने स्टेप वन में देखा महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप, स्टेप हम लोग सेकंड में देखे विश्व के महासागर, और स्टेप थर्ड में हम लोग देखते हैं आपके
विषुवत रेखा, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षैतिज रूप से ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। जब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लास पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम से पूरब खींची गई वह रेखा जो क्षैतिज रूप से यानी कि होरिजेंटली होरिजेंटली एक मिनट लेजर ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अक्षांश देशांतर में कि पश्चिम से पूरब खींची गई वह रेखा जो क्षैतिज रूप से ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इस विषुवत रेखा का आधा उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और आधा दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। और वर्टिकली रूप से वह रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा का आधा उत्तरी भाग आधा पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध और आधा पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्लीज मेरा पिछला वीडियो देखें, सारा का सारा आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहां पे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस करें, मैं उसको बताऊंगा। तो क्षैतिज रूप से खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है वह कौन सी रेखा है, वह आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है। और वर्टिकल रूप से वह खींची गई काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है वह आपका क्या है, आपका प्रधान देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। विषुवत रेखा का आधा उत्तरी जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा का आधा दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से आधा जो पूर्वी भाग है वह पूर्वी गोलार्ध और आधा जो पश्चिमी भाग है वह पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आइए हम लोग यह देखते हैं कि जो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जो विषुवत रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो देखिए यदि आपका मोबाइल का यदि स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं, यह आपका जो है यह आपका यह जो रेखा है वह 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है। तो आप यह देखो कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है गुजर रही है। तो आप क्या करें कि आप अपने एटलस में स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री देख के आप इसको खींचे, स्ट्रेट लाइन खींचे, जो विश्व का जो मानचित्र है आपके एटलस में राजनीतिक मानचित्र उसको आप निकालें और निकाल के आप इसको खींचे। राजनीतिक मानचित्र निकालने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक मानचित्र आपको समझने में भी आसानी होगा, इसलिए आराम से आप चीजें उस पर करना शुरू करेंगे। मैं आपको एकदम एक एक सीढ़ी में आपको चढ़ा रहा हूं ताकि आपको मजा भी आए पढ़ने में और आपको आप बोर आप महसूस करें, ठीक है। तो आप पूरा यह 0 डिग्री आप रेखा खींचे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अपने एटलस पे हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच लिया, ठीक है। अब हम यह देखेंगे क्या कि जो विषुवत रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। दोस्तों एक चीज मैं और बताऊं आपको कि जब आप एटलस पे काम करेंगे, जब आप मानचित्र पे काम करेंगे, तो आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर आपका वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट इन सारी चीजों पे को आप ध्यान में रखेंगे। नॉर्थ टू ईस्ट जैसे आपका नहीं, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ईस्ट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट क्या है, ताकि कई बार होता है कि चीजें आपको अरेंज करने के लिए आपको एग्जाम में आपको दे देता है। तो यदि आप एक ऑर्डर में यदि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, यदि आप एक ऑर्डर में चीजों को आपने अगर ये पढ़ा है समझा है तो आपको उन सारे प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी चीज चाहे आपका जो विषुवत रेखा है, आपका जो कर्क रेखा है, आपका जो मकर रेखा है, इसको हम लोग पश्चिम से पूरब देखेंगे, ठीक है। पृथ्वी कैसे मूव करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब मूव करती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पृथ्वी की दो गतियां हैं आपकी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पे घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो इसलिए हम लोग भी मैप पे काम पश्चिम से पूरब होते हुए ही करेंगे, ठीक है।
पूरे वैज्ञानिक तरीके से आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है, मैंने डिजाइन किया है ताकि एक एक स्टेप आप, एक एक सीढ़ी आप चढ़ें, आपको चीजें आसानी से याद हो, और जियोग्राफी का जो हवा जो है आपके मन में, तो वह क्या हो, वह आपका दूर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल व्यास जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मेरी यह कोशिश है कि जो सबसे जो कमजोर से कमजोर भी बच्चा है, जिसको मैपिंग में जिसकी हाथ तंग है, उसको भी समझ में आए, और वो भी क्या हो, वह भी मैप में क्या हो जाए, धनवान हो जाए मुकेश अंबानी की तरह। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बात कही व्यास जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग काम करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस मैप पे हमने 0 डिग्री विषुवत रेखा को हमने पहले पश्चिम से पूर्व क्या किया, खींच लिया। अब चूंकि हम लोग इससे पहले स्टेप 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि यह आपका एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, यह अफ्रीका है, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, इधर नीचे अंटार्कटिका है, यह ऑस्ट्रेलिया है। तो हमको तो पता है कि भाई कौन सा महाद्वीप कहाँ है। तो यह कौन सा महाद्वीप था, यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था। और क्वेश्चन क्या है कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से अगर गुजर रही है, तो पहला क्या हुआ, पहला आपका यह हो गया कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से गुजर रही है। ठीक है, महाद्वीप, अभी महादेश छोड़, अभी आप देश छोड़ दीजिए, एक एक स्टेप में आपको चढ़ाऊंगा, एक एक सीढ़ी चढ़ाऊंगा, ताकि आप मैप के आप उच्चतम शिखर तक, उच्चतम मंजिल तक आप पहुंच सकें। ठीक है, तो यह पहला जो महाद्वीप है यह कौन सा है, यह आपका दक्षिण अमेरिका है। जो दूसरा जो महाद्वीप है यह कौन सा है, तो यह आपका अफ्रीका है। और तीसरा, यह किसका पार्ट हम लोगों ने देखा था, यह एशिया का पार्ट हम लोगों ने देखा था। तो तीसरा जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है, वह एशिया है। तो विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी गुजरती है, तो आपका दक्षिण अमेरिका, आपका अफ्रीका और एशिया। ठीक है, ये सारा का सारा आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एटलस एक लें, एटलस अगर ले लिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप एटलस लें, एक आप अपना एटलस के लिए एक नोटबुक बनाएं और उसमें चीजों को आप लिखते जाएं, एटलस पे आप काम करते जाएं, एटलस पे आप मार्किंग करते जाएं, उसको हाई जो हाईलाइटनर होता है उसे आप हाईलाइट करते जाएं, और अपने नोटबुक में संबंधित चीजों को लिखते जाएं। जैसे आप एक बनाए हेडिंग कि विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से गुजरती है, आपने लिखा क्या, आपने लिखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और कैसे लिखना है, तो पश्चिम से पूर्व लिखना है जैसा मैंने लिखा है। देखिए, विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, पहला क्या हुआ दक्षिण अमेरिका, दूसरा क्या हुआ, पहला हुआ आपका दक्षिण अमेरिका, दूसरा आपका हुआ अफ्रीका, और तीसरा हुआ आपका एशिया। अब आपको ऑर्डर सजाने के लिए कह दिया कि विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है उनका क्रम है। अब आपका दे दिया उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, फिर आपका दे दिया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, फिर दे दिया अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, फिर आपका दे दिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और पूछ दिया कि पश्चिम से पूर्व सजाएं। तो यदि आप पश्चिम से पूर्व, यदि आपने इस ऑर्डर में चीजों को यदि पढ़ा है, याद किया है, समझा है, तो पश्चिम से पूर्व आप तुरंत सजाएंगे, आपके दिमाग पे सामने एटलस खुल जाएगा और देखेंगे कि भाई ये दक्षिण अमेरिका था, यह अफ्रीका था, यह एशिया था। तो आप आंसर कर देंगे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जिस ऑप्शन में होगा आप आंसर कर देंगे। अच्छा, यदि आपने पश्चिम से पूरब यदि आपने पढ़ा है, चीजों को याद किया है, और एग्जाम में पूछ दिया पूर्व से पश्चिम, तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपने पश्चिम से पूरब यदि आपने याद किया है, तो फिर एटलस आपके सामने खुलेगा कि पश्चिम में सबसे पहले क्या था, दक्षिण अमेरिका था, फिर अफ्रीका था, फिर आपका एशिया था। तो पूरब से पश्चिम को सजाना है, तो पहला हमारा एशिया हो जाएगा, फिर अफ्रीका हो जाएगा, फिर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर में चीजें आपसे पूछी जाएंगी, वह क्वेश्चन क्या होगा, आपके रेंज में होगा। फिर पूछ दिया कि अच्छा बताओ कि विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो कौन सा जो महाद्वीप है वह बीच में पड़ता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। आपको या आपको पता है कि भाई 3 महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, चाहे पश्चिम से पूरब हो या पूरब से पश्चिम हो, बीच में हर हालत में कौन सा पड़ेगा, आपका अफ्रीका पड़ेगा, आपका आंसर होगा अफ्रीका होगा। तो
एटलस पे इसलिए मैं कहता हूं कि निरंतर काम करने की जरूरत है, और किसी भी तरीके से आपसे एटलस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह क्वेश्चन आपके रेंज में होंगे, यदि आपने वैज्ञानिक तरीके से एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में यदि आपने एटलस का अध्ययन किया है, एटलस पे काम किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? कोई बात नहीं है चेतेश्वर जी, मेरे सारे जो वीडियो हैं, सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप पिछले सारे क्लास को आप देख सकते हैं, और कहीं किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज टेक्स्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, मिल बैठ के उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये प्लीज आप लोग बताएं कि आज चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से मैं लेके चला हूं, ताकि वह बच्चा जिसको एटलस पे जिससे एटलस नहीं समझ में आता है, जिसको एटलस या एटलस के नाम से जिसको बुखार आता है वह बुखार दूर हो जाए। ठीक है, और एटलस पे काम हमको एक ऑर्डर में करना है, एक सीक्वेंस में करना है, एक वैज्ञानिक अप्रोच के संग करना है, ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए आप उन प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हो। और जब हम लोग एटलस पे काम करेंगे उसके बाद जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो मैं ऐसे ही क्या करूंगा, चीजों को मैं उलझाऊंगा, आपको प्रश्नों में उलझाऊंगा, और आप क्या करेंगे, आप उस प्रश्नों को आप सुलझाएंगे, और सुलझा के आप क्या करेंगे, आप आंसर देंगे, और फिर देखेंगे कितना मजा आएगा। और फिर मैं देखता हूं और आप भी देखते हैं कि आयोग आखिर एटलस से कैसा प्रश्न उलझा के पूछता है जो हम लोग के दायरे में नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से काम करें, जो जो बच्चे होते हैं। मैं चीज और मैं थोड़ा सा मैं भटक रहा हूँ चीजों को, लेकिन यह भी क्या है आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है चीजें। देखिए, अगर मान लो कि आपका बीपीएससी ये है, यदि यह बीपीएससी है या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको यहां से देखते हैं, बच्चे यहां से देखते हैं, इस तरह देखते हैं। इसीलिए क्या होता है, यह एग्जाम हमको बहुत ही कठिन लगता है। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप इस एग्जाम को यहां से देखें, आप यहां पर रहें और आप इस एग्जाम को यहां से देखेंगे, आज बेटा तुम कहां हो। ठीक है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी कमीशन हो, वह कोई भी प्रश्न आपसे पूछे, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे, वो आपके रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आप कमीशन को, आयोग को इधर से मत देखें, आप इधर से देखें। मतलब कहने का है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके रेंज में प्रश्न हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहां से देखने का मतलब यह भी नहीं है कि आप कुछ भी उलझल उलझ पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें, नहीं, आपको एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए, आपकी प्लानिंग एकदम स्मार्ट होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। महावीर बुद्ध जो महावीर स्वामी थे, या भगवान किस रंग का कपड़ा पहन के घर से बाहर निकले थे, वह कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि जो महावीर जो स्वामी थे या भगवान बुद्ध थे, वह किस हाथ से किस रंग का कपड़ा पहन के निकले थे, या भगवान बुद्ध ने यदि खीर खाया था तो वो दाएं हाथ से खिलाई थी कि बाएं से खिलाई थी, ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको रेलिवेंट चीजें आपको पढ़ना है और स्मार्ट काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग चीजों को भटके, लेकिन यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, आवश्यक है आपको जानना। तो विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से गुजरती है, वो दक्षिण अमेरिका, पश्चिम से पूरब, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप 4 है। पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा विश्व का महाद्वीप, दूसरा हमने देखा विश्व का महासागर, फिर हम लोगों ने देखा कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और अगला जो स्टेप है, स्टेप क्या है, 4, और इसमें हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जिन महासागरों से होकर गुजरती है वह कौन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेप 1 में हम लोगों ने महाद्वीप का क्यों जिक्र किया, स्टेप 2 में हम लोगों ने महासागर के बारे में क्यों पढ़ा। ठीक है, तो विषुवत रेखा जिन महासागरों से होकर गुजरती है कौन कौन सा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यदि आप वर्ल्ड का फिजिकल का आप खोलेंगे या पॉलिटिकल भी खोले हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपने ये खींचा है लाइन, ठीक है, नहीं खिंचाए तो फिर क्या करेंगे, यूरो डिग्री खींचेंगे। अब देखिए, यह कौन सा था हमारा महासागर, तो यह हमारा प्रशांत महासागर था ना, यह प्रशांत महासागर, यह हमारा प्रशांत
यह हमारा था प्रशांत महासागर, ये इसको सही से आप लिखेंगे, ये अरे देखो क्या कैसे लिखा रहा है, इसको आप सही से लिखेंगे ठीक है। यह प्रशांत महासागर है, यह कौन सा महासागर है, तो यह आपका अटलांटिक महासागर, यह अटलांटिक महासागर था, यह अटलांटिक महासागर था, यह अटलांटिक था ठीक है, आप समझ जाए हैं, यह अटलांटिक महासागर था, यह कौन सा महासागर था, यह हमारा हिंद महासागर था, यह हमारा हिंद महासागर था ना, यह हमारा हिंद महासागर था। चलिए यहाँ पे हम इसको पैसिफिक को हम पी लिख देते हैं, यह हमारा पैसिफिक ओशियन था, यह हमारा अटलांटिक ओशियन था, और यह हमारा हिंद महासागर था, इंडियन ओशियन था ठीक है। और यह जो भाग है, यह भी भाग किसका है, यह भी पैसिफिक ओशियन का ही भाग है। जब आप ग्लोब को जब आप फोल्ड करेंगे तो यह क्या होगा, यह एक हो जाएगा। तो विषुवत रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरी, तो आपका प्रशांत महासागर, आपका अटलांटिक महासागर, देखो यह क्या है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, और यह कौन सा, हिंद महासागर। यानी कि विषुवत रेखा तीन महासागरों से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर ठीक है। तो विषुवत रेखा तीन महासागरों से होकर गुजरी, आपका प्रशांत महासागर, फिर पश्चिम से पूरब। आप कोई भी जब एटलस पे काम करेंगे तो एक ऑर्डर में करेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे, ताकि जब आयोग आपसे पूछे ऑर्डर सजाने के लिए, कैसे भी ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे भी पूछे, वह क्वेश्चन जो हो आपके रेंज में हो, वहां एग्जाम में यह आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि काश मैंने ऑर्डर में चीजों को पढ़ा होता। तो प्रशांत महासागर, फिर आपका अटलांटिक महासागर, और फिर हिंद महासागर ठीक है। विषुवत रेखा इन तीन महासागरों से पर गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। यह अपना हुआ स्टेप 4 ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग को क्या करना है, तो स्टेप 5 में 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि लंबवत रूप से, क्षैतिज रूप से, तो ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, विषुवत रेखा बांटती है, या 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो हमने देख लिया कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, किन किन महासागरों से होकर गुजर रही है। अब जो लंबवत रूप से जो ग्लोब को दो बराबर भागों में जो बांटती है रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो प्रधान देशांतर रेखा है, उसका आधा पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध और आधा पश्चिमी भाग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है ठीक है। तो भारत कहाँ है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी, तो हम लोग ने क्या देखा था अभी शुरुआत में कि यूरोप जो महाद्वीप है उसका यह भाग है, यूरोप का भाग है ना, तो देखो यूरोप से गुजरी, यूरोप से गुजरी। अब इसको देखो, इसको हम लोग चूंकि वर्टिकल है तो हम लोग इसको उत्तर से दक्षिण हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। जो क्षैतिज है उसको हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट, और जो आपका वर्टिकल है उसको हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ से साउथ ठीक है। ताकि आपका नॉर्थ से साउथ पूछे या साउथ से नॉर्थ पूछे, आप आपकी जो चीजें हैं वो आपके रेंज में हो। तो विश्व जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह जिन जिन महाद्वीपों से होकर गुजरी, वह पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया यूरोप, यह पहला हो गया आपका यूरोप, दूसरा हो गया आपका अफ्रीका, और तीसरा इस मैप में ये कटा हुआ है यहाँ पे आपका अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका से भी होकर गुजरती है। तो जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह तीन महाद्वीपों से होकर गुजरी, कौन कौन सा आपका, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा तीन महाद्वीपों से होकर गुजरी, आपका यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। देखें ये ऑर्डर देख रहे हैं ना आप, ये वर्टिकली है, और कैसे है, तो ये आपका नॉर्थ टू आपका साउथ है ठीक है। पहला है आपका यूरोप, दूसरा है आपका अफ्रीका, और तीसरा है आपका अंटार्कटिका। जो लोग एटलस में संग संग काम करते जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र उनसे प्रार्थना है कि आप एटलस ले लेंगे, और ये जो क्लास है, ये जो प्रैक्टिस जो हम लोगों ने शुरू किया है प्रैक्टिस एटलस का, उस पर आप जरूर लोकेट कर लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, चीजें आपके लिए क्या होती जाएंगी, कठिन होती जाएंगी, यदि आपने चीजों को नहीं पढ़ा है।
और आपने अभी काम नहीं किया है, और यदि आप अभी आप काम यदि कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। बाद की जो क्लासेज होंगी, जो आपकी मेंस की क्लासेज होंगी, उनमें मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे, यदि आपको लोकेशन सिर्फ आपको पता है किसी भी जगह का, तो उसी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए आप ज्योग्राफी के प्रश्न को लिख लेंगे। न सिर्फ आप जीएस के प्रश्नों को, बल्कि आप ऑप्शनल के प्रश्नों को भी आप लिख लेंगे। देखेंगे कि कितना जबरदस्त मैजिक हुआ वहां पे। यदि आपको सिर्फ लोकेशन पता है तो आप सामान्य अध्ययन के और आप मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न को आप आसानी से लिखेंगे और बहुत बेहतर लिखेंगे। ठीक है, भूगोल विषय के संग सबसे बड़ी खासियत यह है बाबू कि यह सारी चीजें आपके आंखों के सामने तैर रही है, बस उसको आपको समझना है। तो मैं वही आपको संजय की, जो संजय की आंख थी ना महाभारत में, वैसे ही मैं आपको आंख में प्रदान करना चाहता हूं, ताकि आप चीजें रटे नहीं, आप चीजें समझें और आराम से जाएं जाके हंसते खेलते आप क्या करें, आप चीजों को डील कर लें और आप प्रशासनिक अधिकारी बने। ठीक है, फिर आपके आवास पे मैं भी कभी आऊंगा। कल हमारे जो छात्र थे वो बोल रहे थे सर आइए डिनर करते हैं, तो मैं बिल्कुल आऊंगा आपके यहाँ डिनर करने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं, आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद जो आपका जो सरकारी आवास मिलेगा वहां आऊंगा, उस डिनर का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्टेप पे देखते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या है। छठा स्टेप पे हम लोग आए, और छठा स्टेप पे हम लोग को क्या करना है अब, तो हम लोग को यह देखना है कि जो कर्क रेखा है, जो आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। जब हम लोग जब पृथ्वी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यह जो झुकाव है पृथ्वी का, यह किसके कारण है, तो यह सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण है और सूर्य के कारण है। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि पृथ्वी के इसी अक्षीय झुकाव के कारण ग्लोब पर अत्यंत दो महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाओं का जन्म होता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो देखिए, फिर हम लोग ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम लोग क्या करना है कि हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को ये इस यहाँ पे ड्रॉ करना है। मेरी लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, लेकिन आप लोग स्केल के सहायता से और पेंसिल के सहायता से आप लोग क्या करेंगे, एटलस में लाइन को आप लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दिया लाइन को कि कर्क रेखा जो है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। तो देखिए, यह कौन सा महाद्वीप है, तो यह आपका है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यह कौन सा है, तो यह आपका है अफ्रीका महाद्वीप, और यह कौन सा महाद्वीप है, यह आपका है एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो कर्क रेखा भी पश्चिम से पूरब किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी, तो पश्चिम से पूरब इसका ऑर्डर हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और फिर एशिया। ठीक है, अब या तो आपसे पश्चिम से पूरब पूछे ऑर्डर, या पश्चिम या पूरब से पश्चिम पूछे, आपके रेंज में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कर्क रेखा जिन जिन महाद्वीपों से होकर गुजरी, उनका पश्चिम से पूर्व क्रम कैसा है, तो आपका उत्तरी अमेरिका आपका, फिर आपका अफ्रीका और फिर आपका एशिया। ठीक है, पश्चिम से पूर्व कर्क रेखा जिन महाद्वीपों से अगर गुजरी, आपका उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, अगला स्टेप स्टेप 7 चलते हैं। स्टेप 7 में हम लोगों को क्या करना है एटलस में, तो स्टेप 7 में हम लोगों को करना है कि मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह आपका हुआ मकर रेखा, यह आपका कौन सा था, यह आपका कर्क रेखा था, और यह आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह आपका है मकर रेखा। तो हमने क्या किया, फिर एटलस पे हमने मकर रेखा को ड्रॉ किया। आप इसको सीधे लाइन अप खींचेंगे, स्केल की सहायता से खींचेंगे, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है तो फ्री हैंड खींचना हो रहा है, तो यह आपका हुआ मकर रेखा। तो मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी,
फिर हमारा क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट हमारा ऑर्डर होगा। तो यह कौन सा महाद्वीप है, यह हमारा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है और यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो मकर रेखा भी कितने महाद्वीपों से होकर गुजरी, तो मकर रेखा भी तीन महाद्वीपों से होकर गुजरी, पश्चिम से पूर्व, आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मकर रेखा भी तीन महाद्वीपों से होकर गुजरी, आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले अभी तक देखा जो ग्लोब पे जो महाद्वीप हैं उनका लोकेशन, फिर हमने ये देखा कि जो ग्लोब पे जो ओशियन है, जो महासागर है उनका लोकेशन, फिर हमने यह देखा कि 0 डिग्री विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, फिर हमने देखा कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो प्रधान देशांतर रेखा है, वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी, फिर हमने यह देखा कि जो कर्क रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी, और फिर हमने क्या देखा कि जो मकर रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरी। ठीक है, एक बार फिर मैं इस मैप पे आपको लेके आना चाहता हूं। अब देखो यह कौन सा था, तो यह आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा था ना, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा, यह आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा था, इसको आप स्ट्रेट खींचेंगे प्लीज, और यह आपका था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह आपका था कर्क रेखा। ठीक है, यह आपका था कर्क रेखा और यह आपका था मकर रेखा, हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा, यह आपका था मकर रेखा। ठीक है, और यह आपका था 0 डिग्री देशांतर रेखा, हमने देखा। अब देखिए प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से, अच्छा पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जिनसे होकर तीनों रेखाएं खींची जा सकती है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा ऐसा ग्लोब पे महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका अफ्रीका होगा। देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इससे आपका कर्क रेखा भी गुजर रही है, इससे आपका विषुवत रेखा भी गुजर रही है, इससे आपका मकर रेखा भी गुजर रही है, इस अफ्रीका के अलावा कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिससे तीनों रेखाएं गुजरे, आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, और सबसे मजेदार बात क्या है कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या हो रही है, अफ्रीका से होकर गुजर रही है, तो यानी कि जो ग्लोब पे जो चार महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं, आपका विषुवत रेखा, आपका कर्क रेखा, आपका मकर रेखा और 0 डिग्री जो प्रधान जो देशांतर रेखा है वह भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनसे होकर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आपका मकर रेखा, आपका प्रधान देशांतर रेखा, चारों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका जो दक्षिण अमेरिका है इससे भी आपका विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजर रहा है, और आपका जो अफ्रीका है इससे भी आपका विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजर रहा है, तो आपका यह पेयर दे सकता है आपका कि उत्तरी अमेरिका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, तो आप जब आप मैप पर अगर ढंग से काम किए रहेंगे तो आप आंसर मारेंगे दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका। ठीक है, तो इसलिए मैप पे आपको अच्छे ढंग से काम करना है, एक ऑर्डर में काम करना है और चीजों को समझते हुए आपको क्या करना है, आपको चीजों को समझते हुए आपको काम करना है। तो यदि किसी को यदि दिक्कत हो रही है समझने में तो प्लीज बताएं हमको, या सब कुछ ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर, तो मकर रेखा जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है हम लोग ने क्या क्या देखा, वह है आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे स्टेप में देखते हैं, आगे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग एटलस पे काम, तो स्टेप 8 है इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप 8 में हम लोग अब देखेंगे कि जो 0 डिग्री जो प्रधान जो देशांतर रेखा है वह किन देशों से होकर गुजर रही है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि जो विश्व
के जो महाद्वीप है उनका लोकेशन कहाँ है, जो महासागर है उनका लोकेशन कहाँ है, विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से गुजर रही है, कर्क मकर 0 डिग्री देशांतर रेखाएं किन महादेशों से गुजर रही है, महाद्वीपों से गुजर रही है। अब हम लोग अगला जो स्टेप है हमारा उसमें अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देश देखेंगे, कंट्री देखेंगे कि भाई ठीक है भाई साहब हमने तो अब तक कॉन्टिनेंट देख लिया, अब जरा कंट्री भी देख लें कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनसे गुजर रही हैं सारी रेखाएं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री जो प्रधान जो देशांतर रेखा है वह किन किन आपके देशों से होकर आपके गुजरी। ठीक है, तो यह देखिए, यह आपका जो है यूनाइटेड किंगडम, उत्तर से दक्षिण, इसको भी एकदम ऑर्डर में, कोई भी काम ऑर्डर में करना है तो उत्तर से इसको इरेज करते हैं। देखिए, तो पहला देखिए यह है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फिर आपका है फ्रांस, फिर आपका है स्पेन, फिर आपका है अल्जीरिया, फिर माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, और देखिए यह अंटार्कटिक, अंटार्कटिक को भी हमने इसलिए शामिल कर लिया ताकि कई बार होता है कि अंटार्कटिक हमारे दिमाग से क्या होता है, हमारे दिमाग से मिस हो जाता है और हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए अंटार्कटिक को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। हालांकि अंटार्कटिक क्या है, देश नहीं है, क्या है वह एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी अगर यदि ऐसी चीजें हों जो हो सकता है कि बाई मिस्टेक आप उसको भूल सकते हैं तो उनको आप अपने फैक्ट में शामिल कर लीजिएगा, उसको अलग या तो बोल्ड में या इटैलिक रूप से किसी तरीके से लिख दीजिएगा ताकि कभी पूछे जाएं तो आपसे गलत ना हो। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब हम लोग जब पेपर दे रहे थे तो प्रश्न पूछा गया कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी जो सीमाएँ हैं वह तटीय हैं। ठीक है, तो अब आप क्या होता है कि जो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो गोवा को भूल जाते हैं। गोवा क्यों है, गोवा क्या है, एक छोटा छोटा राज्य है, तो अब देखो कि इतना टूरिज्म के मामले से मैंने कितना रिच है, लेकिन हम लोग क्या होता है जब हम लोग मैप का जब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग गोवा को भूल जाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 8 मार देते हैं। ठीक है, जबकि कितने हैं 9 हैं आपके, गोवा को हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अंटार्कटिका को भी आप शामिल कर लेना, भले आप उसको बोल्ड में लिखना या इटैलिक लिखना, ताकि यदि कभी यदि आपका ऑप्शन में अंटार्कटिका हो तो आप उससे आपको मिस्टेक ना हो, आप से गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर का क्या है, एक एक नंबर का मारा मारी है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरी, तो आपका यूनाइटेड किंगडम, आपका फ्रांस, स्पेन, उत्तर से दक्षिण इसका ऑर्डर है, आपका अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, और देखिए हमने क्या किया यहाँ पे अंटार्कटिका को बोल्ड कर दिया, बोल्ड अक्षर में लिख दिया ताकि एक ऑर्डर बन जाए और आपको याद भी रहे कि अंटार्कटिका जो है वो एक अलग अपना कॉन्टिनेंट है। और यह जो ऑर्डर है, यह ऑर्डर कैसे है, यह ऑर्डर है आपका नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब मान लो कि आपका बीच में भी उठा के यदि ये 4 पूछ दिया कि देशांतर रेखाएं जिन जो प्रधान देशांतर रेखाएं जिन देशों से होकर गुजरती हैं उनका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आप सजाएं, और ये 4 बीच में पूछ दिया, तो यदि आपका ऑर्डर यदि आपको पता होगा तो उस ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे आप, उस ऑर्डर के हिसाब से आप चीजों को आप डील कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये विषुवत रेखा किन देशों से गुजरी, 0 डिग्री देशांतर किन देशों से गुजरी, कर्क मकर किन से गुजरी, इनसे संबंधित बहुत सारे ट्रिक आपको YouTube पे मिलेंगे। तो जो ट्रिक आपको अच्छा लगे, जो ट्रिक आप आसानी से समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए, उस ट्रिक को क्या करेंगे आप उठा लें वहां से, मगअप कर लें उसको चीजों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको फायदा होगा एग्जाम में, आप कभी भी चीजों को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वहां से आप उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप हमारा, तो अगला स्टेप हमारा है स्टेप 9, और स्टेप 9 में हम क्या देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यह देखिए, यह क्या है, यह हमारा विषुवत रेखा है, यह हमारा विषुवत रेखा हुआ, एकदम प्लीज स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पश्चिम से पूर्व की जो विषुवत रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजर रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वेडोर, फिर मिलेगा आपको कोलंबिया, और फिर मिलेगा आपको ब्राजील, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे
साओ टोमेम प्रिंसिप जो एक द्वीप है वो, फिर आपको मिलेगा गैबोन, फिर कांगो, फिर आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर आपका युगांडा, फिर आपका केनिया, फिर आपका सोमालिया, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे मालदीव, मालदीव के बाद फिर आपको मिलेगा इंडोनेशिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा किरीबाती। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको किरीबाती। आप अपने एटलस में देखें चीजों को पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर किन किन देशों से होकर गुजरी, तो आप पश्चिम से पूरब इसका क्रम है, आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा इक्वेडोर, उसके बाद आपको मिलेगा कोलंबिया, फिर मिलेगा आपको ब्राजील, फिर मिलेगा साओ टोम एवं प्रिंसिप, फिर गैबोन, फिर आपको कांगो, फिर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर आपका युगांडा, फिर केनिया, फिर आपका सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। यह जो ऑर्डर है, यह ऑर्डर कैसे है, तो यह जो ऑर्डर है वह वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूरब है। ठीक है, यह जो ऑर्डर है यह आपका वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूरब देशों का क्रम है, जिन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑर्डर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने एटलस में आप इन सारे जो देश हैं उनको क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कि किन किन देश से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है, और संघ में क्या करेंगे आप अपने जो आपका जो नोटबुक बनाएंगे एटलस से संबंधित, उस नोटबुक में भी आप चीजों को आप उसमें मेंशन करेंगे। और मार्केट में आपको ब्लैंक आपको एटलस मिलेंगे, तो ब्लैंक एटलस आप खरीद सकते हैं, और वहां उस एटलस पे आप चीजों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि चीजें आपको याद हैं या नहीं है उसका आप निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो विषुवत रेखा जिन देशों से होकर गुजर रही है वह कौन कौन से देश हैं, उनका क्रम क्या है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अगला स्टेप स्टेप 10। स्टेप 10 में हम लोग क्या करेंगे एटलस में, तो हम लोग यह देखेंगे कि जो कर्क रेखा है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है। यह आपका जो कर्क रेखा है, तो आपने पहले ही अपने एटलस पे क्या किया है कि स्ट्रेट लाइन खींचा है कर्क रेखा को दिखाते हुए। ठीक है, यह आपका कर्क रेखा है, प्लीज लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, तो यह आपका कर्क रेखा है। तो अब देखो कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा मेक्सिको, फिर आपको मिलेगा बहामास, बहामास, फिर आपको मिलेगा पश्चिमी सहारा, मुर्तिनिया, माली, अल्जीरिया, फिर आपको मिलेगा नाइजर, आपको लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, आपको इंडिया, आपको यूएई, आपको पूरा ये मिलेगा। अभी मैं आपको इसका मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कंट्री आपको मिलेंगे, ताकि उसको आप क्या करें कि एटलस में आप उसको मेंशन करते जाएं, उसको आप हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, कौन कौन से देश मिलेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको सबसे पहले मिलेगा पश्चिम में आपको मेक्सिको, फिर आपको मिलेगा बहामास, फिर मिलेगा आपको पश्चिमी सहारा, फिर उसके बाद मुरितानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, फिर लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, फिर चीन और फिर ताइवान। और यह भी ऑर्डर क्या है, तो यह भी ऑर्डर है आपका वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व जो क्रम है वह है मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, तो यह कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरी उनका क्रम है। और आज का लास्ट जो हमारा जो अभ्यास है वह स्टेप हमारा 11 है कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो यह आपका हो गया मकर रेखा। हमने क्या किया अपने एटलस में
हमने मकर रेखा को, ठीक है, इस बार सही सही ड्रॉ हुआ है, तो मकर रेखा हमने खींचा। और अब किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजर रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका चिली, अर्जेंटीना, आपका पराग्वे, ब्राजील, फिर आपका यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह। मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा जो देश है उस देश से गुजर रही है। आप इसको क्या करेंगे, आप अपने एटलस में पश्चिम से पूरब उसको आप लोकेट करेंगे, उसको मेंशन करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे कौन कौन से जो देश हैं पश्चिम से पूरब जिनसे होकर मकर रेखा गुजर रही है। तो आपका आप सबसे पहले अर्जेंटीना, थोड़ा सा नहीं, सबसे पहले चिली होगा, थोड़ा सा ये ऑर्डर जो है वह ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। आप क्या करेंगे, उस ऑर्डर को क्या करेंगे, उस ऑर्डर को आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले चिली है, थोड़ा सा ऑर्डर जो है ऑर्डर गड़बड़ हुआ है। आप ऑर्डर को क्या करेंगे, उसको ऑर्डर को आप अरेंज करेंगे, ठीक है। कुछ काम आप भी करें, जहां जहां पे मिस्टेक हो रहा है। तो पहला है तो अर्जेंटीना है आपका, ब्राजील है, चिली है, पराग्वे है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है और ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों से होकर मकर रेखा गुजर रही है। थोड़ा सा जो दक्षिण अमेरिकी जो देश हैं उनका ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो उस ऑर्डर को क्या करेंगे, आप अरेंज करेंगे, क्योंकि अब तक आप यह समझ गए होंगे कि कैसे चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। तो मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा ऑर्डर जो है उसको आप अरेंज करेंगे। तो यह देश हैं जिनसे होकर मकर रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो आज हम लोग 11 स्टेप हम लोगों ने सीखा, 11 स्टेप पे हम लोगों ने काम किया एटलस पे। कौन कौन सा आपको, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो वर्ल्ड के जो महाद्वीप हैं, विश्व के महाद्वीप, उनका लोकेशन कहाँ है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो विश्व के जो महासागर हैं उनका लोकेशन कहाँ है। फिर क्या हम लोगों ने देखा, फिर हमने देखा कि 0 डिग्री विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, 0 डिग्री विषुवत रेखा किन महासागरों से होकर गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, जो कर्क रेखा है वह किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, मकर रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह किन देशों से होकर गुजर रही है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो विषुवत रेखा है वह किन देशों से होकर गुजर रही है। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि जो कर्क रेखा है वह किन देशों से होकर गुजर रही है। और फिर हमने देखा कि जो मकर रेखा है वह किन देशों से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो आज हमने इतना इसलिए कराया, इतना ही कराया ताकि आप चीजों को समझें और एटलस पे काम करें। तो आज की जो क्लास हुई, आज हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस को आप क्या करेंगे, अपने एटलस पे दोहराएंगे ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, वह याद हो जाए, ताकि जब इसके बाद हम लोग एटलस पे जब काम करना शुरू करेंगे तो आप चीजों को आसानी से समझना शुरू कर देंगे। आप लोकेशन जो होगा आपके दिमाग में छपते चला जाएगा। और यदि आज की जो जो बेसिक जो कंसेप्ट है मैप का, इस पे यदि आप काम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि फिर जो आपकी जो चढ़ाई है, आगे की जो आपकी जो यात्रा है, वह कठिन हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग हमको बताएं कि कहीं कोई दिक्कत हुआ आज का, जो भी हम लोगों ने जो 11 स्टेप हम लोगों ने किया मैपिंग का, तो इसमें यदि किसी पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज हमको आप टेक्स्ट करें, बताएं कहीं पे कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई ऊर्जा के संग। तो आप बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरा प्रोमो कोड राकेश 1 का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको अपने फीस में 10% का आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के संग, एक नई ऊर्जा, एक नए उमंग के संग।
तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। शुभ रात्रि, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।